देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 से ज्यादा नए केस सामने आए। बीते दो महीने में आज कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस मिले। वहीं महाराष्ट्र में आज कोरोना के 14,317 मरीज मिले, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही राज्य में 57 संक्रमितों के दम तोड़ने के बाद मृतकों की कुल संख्या 52,667 पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं राज्य सरकार ने कई इलाकों में लॉकडाउन लगाने इशारा किया है। पुणे में 21,276 कोरोना के एक्टिव केस हैं, नागपुर में 13,800, ठाणे में 10,825, मुंबई में 10,563 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बता दें कि गुरुवार को राजधानी दिल्ली में 409 कोरोना केस मिले। इससे पहले 8 जनवरी को 444 केस आए थे। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,000 के पार पहुंच चुकी है। यहां एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2020 पर पहुंच गया है। 22 जनवरी को यहां संख्या 2,060 थी। दिल्ली में होम आइसोलेशन का आंकड़ा भी अब 1,000 के पार पहुंच गया है। राजधानी में 1,028 मरीज घर पर इलाज करा रहे हैं। सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में रिकवरी दर में धीमी गिरावट भी दर्ज हो रही है। सिर्फ मार्च के महीने में रिकवरी दर में 0.09% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की दर 0.31% हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण की दर 0.59% हो गई है। साथ ही रिकवरी दर 98% से नीचे आ गई है। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी दर 97.98% है, जो कि 23 जनवरी के बाद सबसे कम है। 23 जनवरी को रिकवरी दर 97.99% पर थी। देश की राजधानी में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से मौत का कुल आंकड़ा 10,934 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 6,42,439 है। यहां पिछले 24 घंटे में 286 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह से कुल रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 6,29,485 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना डेथ रेट 1.7% है, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या 592 है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।